बढ़िया है भैया, सपोर्ट करा है ना भैया के सब लोग। मेरो नाम, मेरो चैनल है राधा रानी। हाँ, अरे यारी, हाँ पुरानो वालों पर नहीं ज्यादा वा करत है, जब बासा कोई लाभ नहीं वा नहीं भाई। हाँ, मेहनत बहुत पड़त है। सही बात, क्या कहना चाहोगे आप? सही कह रहे भैया, इन भैया को सब लोग सपोर्ट करो अच्छे से, जैसे हमें प्यार दे तैसे हमारे भैया को दे। नमस्कार, अभी हम आ चुके हैं अरियारी गांव में और ये है राधा दीदी का घर। ये है, ये इनका घर है। दीदी नमस्ते। नमस्ते, आप कैसे हो? हाँ हम बढ़िया हैं। हम एक बार आए थे आपके यहाँ तो आप मिली नहीं थी, आप शायद कहीं गए हुए थे रिश्तेदार में। गए थे रिश्तेदारी में गए थे। अच्छा, तो आप कब आए फिर? हम आए कई दिन आए गए, हम दवा लेने गए थे तो नहीं चले गए थे। अच्छा, अब कैसी तबीयत है आपकी? आराम है अब तक। आराम है। अच्छा, और बढ़ाए और बताएं अपने बारे में, कैसा क्या चल रहा है? ठीक है, अच्छे से भगवान की कृपा, आप लोगों की दुआ है, सबकी संग है। अच्छा अच्छा, और का सब सही है। और हमने सुना था आपके बारे में कि वो आपका वो एक शूटिंग होने आई थी, कैसा क्या गाना शूट? बहुत बिट्टी को आएगा गाना। अच्छा, आपकी लड़की का हुआ? अच्छा अच्छा, अब फिर हम शूट हुए वालू है दो तीन दिन में। अच्छा अच्छा, सब बढ़िया है भैया, सपोर्ट करा है ना भैया के सब लोग। मेरो नाम, मेरो चैनल है राधा रानी। हाँ, अरियारी, हाँ पुरानो वालों पर नहीं ज्यादा वा करा था, जब बासा कोई लाभ नहीं वा नहीं भाई। हाँ, मेहनत बहुत पड़ा था। सही बात है। हाँ, उसकी जो मेन चीज है वो इनके पास नहीं है ना, इस वजह से उस पर मेहनत करने से भी फायदा क्या है, जो पैसे वगैरह सब खुशी आप लोगों ने प्यार दो बस, बस बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा अच्छा, आप लोगों को धन्यवाद भैया सब लोगों को। हाँ, वो जैसे कि भी हम देख पा रहे होंगे वो नया चैनल है, उस पर भी सब्सक्राइब काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, सही चल रही है। चलिए, अच्छी बात है, सभी लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट है आप लोगों को भैया, बस अच्छे से सलामत रहे, भगवान की दुआ रहे आप लोगों के सब लोगों के ऊपर। अरे यार, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, बिल्कुल क्यों नहीं रहेगा। तो बहुत ज्यादा सर्दी है। हाँ, जब चल रही बादल हुए, अगर पानी बरस गया हमारे घर का हाल हो। बहुत गड़बड़ है। सही बात है, पन्नी अन्नी मंगा लिया, देखा कहीं कोई सा पन्नी मंगाए के थोड़ी सी तान लिए ना तो दिक्कत हो जाए बहुत ज्यादा, बादर कर रही है आज। इससे पहले क्या करते थे आप लोग काम? रोपा लगाते वगत पर हम धानी काटते, गेहूं काटते। अच्छा, और का मका बाजरा जी कटौनी निकौनी। हाँ, जी सब काम होते। एक वीडियो में हमने देखा था कि आप ईटा भी पाते थे। ईटा हमने बहुत पाती है। इधर ईटा का काम, ईटा हमने छोटे पे था पाती है। अच्छा अच्छा, हाँ इधर ईटा का काम तब पता थी 30,000 रुपया पकती है। अच्छा, 30,000 मतलब 1,000 ईटा 30 रुपया की। अच्छा, 1,000 ईटा पाथो वो उसमें फिर 30,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, फिर वह 50-60 फिर 100 हो गए। अच्छा अच्छा, अब तो 500 रुपया 600 रुपया 700 रुपया अब तो ऐसी है ईटे पत्ती है। तो जो 30 रुपए वाली जो बात है तो ये तो लगभग काफी पुरानी बात होगी। और का कितना टाइम हो गया होगा? लगभग करीब 30 साल इतना टाइम हो गया क्योंकि उस टाइम पे। अच्छा, आज का रेट क्या चल रहा है, आज क्या भाव? तो सही है, तो 500-600-700 जैसे जो रेट है। छाप के लगा दे ऐसी, फिर काट के फड़मा डारो, फिर बार लपेट के तब ईटा पाथो। तो वो सब अपनी ही मेहनत है? और अपनी मेहनत है यही। अच्छा, मतलब जो सब तैयार करने पर फिर ईटे पाथने पर जब है 700 रुपया। और का। अच्छा, फिर उन्हें उठाए के दीवाल ऐसी बनाओ, खड़ी करो, खिवार बोली ज्यादा तक सुखाओ बना। अच्छा, हम तो अभी तक यही समझते हैं कि मट्टी आपको तैयार मेल है और बस आपको जाने हैं सांचो लेके, बस वहाँ मट्टी डालो, रखा जाओ 1,000 हो जाए भगे आपने। एक दिन फिर पाथे आए थे, एक दिन हम गए थे पाथन। अच्छा अच्छा, मन तो हो रो कि 2-4-10 दिन पाथने लग गए, कछु ना कछु इनकम हो जाए, परेशानी चल रही है। सही बात है। अच्छा, आप बताओ जैसे अभी जो 700 रुपये रेट चल रहा है तो आप कितने टाइम में एक बार पाथ लिया, मतलब 1,000 कितने टाइम में पाथ लिया था? हम तो 4 बजे तक लगाते, 1 बजे तक निकाल देते 1,000 ईंटें। अच्छा अच्छा, 4 बजे से एक दिन में? अरे वाह, तो मतलब फोन काट दीजिए, तो मतलब जो है कि मट्टी अट्टी तैयार वही दिन में हो कि वो अगले दिन ना, जैसे सवेरे बनाओ तो संजाक पाथ हो, संजाक बनाओ सवेरे पाथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ करता था। ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे गर्मियों में सवेरे बना ली मट्टी, शाम को पत्थर लगाते। अच्छा अच्छा, अब सर्दी ज्यादा हो। अच्छा अच्छा, तो आपके पास और क्या मतलब इनकम का क्या जरिया? जमीन अमीन होगी? जमीन अमीन हमारे यहाँ ना बिल्कुल कछू ना, तुम्हारे सबके यहाँ करत खात अपने। अच्छा अच्छा, खाए पीवे और एक बैले तो अपने साग आग अपना बनाए खाए ले अपना, ज्यादा नहीं है। साग आग से ध्यान आई, आप कहीं बाहर थे वहाँ पे बहुत साग खा रहे थे आप, मौसी जी के यहाँ, चाची जी के यहाँ, आंटी जी के यहाँ पे थे लगभग आप? गंभीर भैया खेत माते
रवि के क्या कहना चाहोगे आप? सही कह रहे भैया, इन भैयों को सब लोग सपोर्ट करो अच्छे से, जैसे हमें प्यार देता है ऐसे हमारे भैयों को दे। अरे वाह।